दिस इज चांदी दुनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर भोली हम ऑलरेडी बहुत से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं इन टू ऑफ द वीडियोस नाउ वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पैराग्राफ्स इन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज द 8th पैराग्राफ और द 8th एक्सट्रैक्ट ऑफ द चैप्टर भोली व्हिच सेज वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन शाला एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल टेली हिज वाइफ अज said. तो एक रात को क्या होता है रामलाल जो है दैट इज़ भोलीज फादर या सुलेखाज फादर वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें भिशंबर का प्रपोजल जो है वो भोली के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सो so, उनकी जो वाइफ है वो बोलती हैं, सर्टेनली यानी ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ वो बोलती हैं कि विथ नो डाउट हमें ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइट ग्रूम और वो क्या रीजन देती हैं कि भोली जो है बहुत लकी है क्योंकि उनको इतने वेल टू डू यानी कि रिच फैमिली बिलोंग करते हुए या वेल well सेटल्ड जो है एक ब्राइट ग्रूम या धूला मिल रहा है

That's right, but But he he is not so young, you know. Almost the same as, age as I am, and he also limps. But उनके जो फादर लिए वो ये कहते हैं कि but ये जो, you know, man है जो भिशंबर है, वो old है age में इतने young नहीं है almost मेरी age के हैं and also वो limp करके चलते हैं लंगरा के चलते हैं मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिस्स फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप सो वॉट डज इट मैटर हिज वाइफ रिप्लाई एंड सो नेक्स्ट रीज़न जो उनके हस्बैंड का होता है कि क्यों हमें सोचना चाहिए उन्हों की प्रपोजल एक्सेप्ट करें या नहीं वो ये कि उनकी ऑलरेडी एक फर्स्ट वाइफ थी जिनसे उनको जो चिल्ड्रन है वो थोड़े ग्रोन अप हैं यानी कि ही इज अ विडोअर नाउ विडो इज अ वुमेन जिसके लिए हम बोलते हैं बट विडोअर मींस अ मैन जिनकी वाइफ नहीं रही है तो भिशंबरनाथ जो हैं वो एक विडोअर हैं एंड आल्सो उनके जो चिल्ड्रन हैं फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वो ग्रोन अप हैं तो ये तीनों रीजंस जो हैं वो भिशंबरनाथ के लिए देते हैं कौन रामलाल कि क्यों यू you नो know, हमें सोचना चाहिए कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल और बट हाउ डज इट मैटर उससे कोई फर्क पड़ा पड़ता नहीं है फोर्टी फाइव और फिफ्टी इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन अकॉर्डिंग टू रामलाल्स वाइफ अगर किसी मैन की एज फोर्टी फाइव है या फिफ्टी है तो वो कोई बड़ी एज नहीं होती सो वी शुड नॉट वेरी थिंकिंग अबाउट दिस

नेक्स्ट अगर हम वो क्या आपकी बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ड प्रपोजल देन सर्टेनली वेल टू डू इन सबके यू नो डिफरेंस इन या एंटोनिम्स नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है मीनिंग ऑफ डाउरी एंड आल्सो लिम्स क्लियर दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिस पे आपको वो क्या बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं डन ऑलराइट देन वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनादर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि विशंभर नाथ जो है वो उनके बिलोंग विलेज को बिलोंग नहीं करता वो दूसरे विलेज से आए हैं तो उनको ये नहीं पता कि ये भोली जो है उसको पोक मार्क्स है या फिर यू नो उनको लैक ऑफ सेंस यानी कि वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जैसे कि नॉर्मल लोग हैं इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ और फिर वो यही बोलती हैं यू नो कि अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर भोली जो है वो लाइफ टाइम के लिए अनमैरिड ही रहेंगी उनकी शादी कभी होगी नहीं यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से बट उनके जो फादर बोलते हैं बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि भोली क्या बोलेंगी इस पे यू you नो know, कि भोली का क्या रिएक्शन होगा whether she will accept this proposal or not व्हाट विल दैट विटलेस वन से शी इज लाइक अ डम काउ तो उनकी वाइफ बोलती है कि वो विटलेस यानी कि जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती जो बुद्धू होता है तो वो क्या बोलेगी यू you नो know? उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है शी इज डम काउ यानी कि शी इज़ यू नो वेरी बोल सकते हैं सिंप्लिटेड तो उसको कोई नॉलेज ही नहीं है सेंस ही नहीं है कि वो इस चीज़ पे कुछ बोल पाए तो उनके हस्बैंड बोलते हैं मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल देन रामलाल इज लाइक ओके मे बी यू नो तुम सही बोल रही हो कि ये क्या ही बोलेगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंस उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलना है एंड ऑल्सो अगर ये प्रपोजल हम डिनाई कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली जो भोली है वो लाइफ टाइम के लिए अनमैरिड रहेंगी एंड दिस इज व्हाट मटर्ड और विस्पर्ड रामलाल क्लियर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ रामलाल वाइफ व्हाट वर द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ रामलाल नेक्स्ट अगर वो कैप की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द वर्ड लैक ऑफ सेंस के यू नो वन वर्ड देन विटलेस के सिनोनिम्स एंड डम वर्ड के एंड मटर्ड वर्ड के या मटर वर्ड के यू नो डिफरेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्लियर ऑल

नेक्स्ट इज वॉट वर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट भी अकॉर्डिंग टू भोलीज पेरेंट्स तो भोली के पेरेंट्स जो भी दोनों पॉइंटर्स हैं ज़्यादातर उनकी वाइफ के ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि कैसे भिशंबरनाथ का प्रपोजल इज अ वेरी नाइस प्रपोजल फॉर भोली सो अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ इज ओन येस

नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर ब्लैंक है ऑप्शन फिल करना है जिससे ब्लैंक हो पाए कि अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर फोर्टी फाइव और फिफ्टी इज नो ग्रेट एज ऑफ अ मैन येस अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर दे आर लकी दट बिशंबर इज फ्रॉम अनादर विज डेफिनेटली बिकॉज ईज नॉट अवेयर अबाउट दुक मार्क्स एंड यू नो द लैक ऑफ सेंस ऑफ भोली

नेक्स्ट इज वॉट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग वॉट इज इन करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू भोली इज मदर इफ दे डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल भोली में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ डेफिनेटली भोली इज फादर वॉज वरीट वॉट भोली वुड से फॉर द प्रपोजल येस नॉट ट्रू पूछा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन कैंसिल आउट होते जाएंगे बटन बोली इज कंसिडर्डिकॉटर्ड विज दैट मच इंटेलिजेंट और दैट ब्रेन पार तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका एर क्विक विटेड मतलब चाल कनिंग स्मार्ट दिस इज वॉट इज ऑपोजिट इज ग्रैक्ट फोर्थ वन जिसमें एर है एंड दिस इज नॉट ट्रू और इन करेक्ट स्टेटमेंट क्लियर ऑलरेडी नेक्स्ट इज मटो मीन्स एज सो मटो मीन मोमर यानी कि धीरे धीरे बात करना सो विस्पर डेफिनेटली मोमेटलीस तीनों का मतलब होता है धीरे खुश खुसा के बात करना तो ऑल द थ्री मीन द सेम एज द वर्ड तो ऑल ऑफ मैटो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस वर्ड कॉन्वर्जेशन और जो इनका घर है उसके जस्ट यहाँ पर जो कोटियाड़ है बगल में यानी आंगन है वहाँ पर ही बोली जो है वो अपने बेड पे बैठी है और वो जो है अपने पेरेंट्स के इस पूरे कॉन्वर्जेशन को सुन रही थी बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर ही केम विद पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम वेडिंग भिशंबर नाथ जो है वो एक वेल टू डू यानी रिच प्रॉस्परस ग्रोसर है ग्रोसर का मतलब क्या होता है जिनका किराने का काम होता है यानी कि यू नो पल्स जो नॉर्मल ग्रोसरीज है वो सेल करने का तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्ड बाई बिशंबर नाथ तो आपको वहां पर वो चीजें जो है देखनी पड़ेंगी जो भी ग्रोसरी शॉप पे मिलती है किराने की शॉप पे मिलती है वो हो जाएंगे क्या वो चीजें जो भिशंबरनाथ सेल करते हैं अगर क्रिएटिवली अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछा जा सकता है क्लियर तो डेफिनेटली भिशंबरनाथ जो है वो क्लोथ या शूज ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो वो सेल नहीं करते हैं He came with a big party of friends and relations. तो so, जो जिस दिन वेडिंग है उस दिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे रिलेटिव के साथ जो है वेडिंग पे आते हैं a brass band playing a popular tune from an Indian film फिल्म the procession with the bridegroom riding a decorated horse. और जो ये भिशंबर नाथ हैं वो एक बैंड के साथ जो बारात में बैंड होता है वैसा बैंड जो है आगे आगे चल रहा है ट्यून बज रही है वेरी फेमस ट्यून फ्रॉम बॉलीवुड और वही ट्यून के घर पर हमें दिखता है कि

एल्डर सिस्टर्स कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लक और भोली की जो बाकी की जो तीनों सिस्टर्स हैं राधा मंगला एंड चंपा वो तीनों भी आई होती हैं शादी में एंड दे आर जेलेस ऑफ भोलीज लक कि भाई इतनी बड़ी शादी हो रही है तो दिस इज समथिंग जो कि हमारे साथ तो नहीं हुआ

पॉम्प या स्प्लेंडर के यूनो डिफरेंट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स क्लियर ऑल रेट वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्री सेट ब्रिंग द ब्राइट आप ब्राइट को बुलाइए और होली जो है वो ब्यूटिफुल रेड सिल्क की साड़ी में यू नो शीज लाइक अ ब्यूटिफुल ब्राइडल है घूंग टोड़ा हुआ है व्हील पहना हुआ है तो उसकी वजह से उनका फेस तो नहीं दिख रहा बट इस तरीके से जैसे एक ब्राइड होती है उस तरीके

फेस और एक कोई भी वुमेन है वहां पर कोई भी मौजूद है वुमेन और वो क्या करती हैं वो Uh, जो भोली है उनका जो व्हील है यानी जो कवर है जो घूंघट है उसको थोड़ा नीचे कर देती है जिसकी वजह से उनका फेस दिखने लगता है क्विक और जल्दी से नोटिस कर लेते हैं कौन द द द रिमेन इन हिज हैंड्स स्लोली पुल डाउन ओवर हर फेस और जैसे ही वो भोली का फेस देखते हैं ऑब्वियसली पोक मार्क्स दिख जाते हैं उनको इसकी वजह से जो गार्लेंड के हाथ में वैसे का वैसा रह जाता है पॉइज यानी कि वहीं पे रुका हुआ स्टेशनरी और उसकी वजह से यू नो फिर क्या होता है भोली जल्दी से अपने व्हील को अपने ऊपर वापस पहन लेती है यानी कि फिर से अपने आप आपके चेहरा को कवर कर लेती हैं क्लियर तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं ऑब्वियसली व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट ट्रू व्हाट हैपेंड यू नो इन द ऑन द डे ऑफ वेडिंग हु प्रॉम्प्टेड अभिषंबर टू गारलैंड द वाइफ गारलैंड दी

क्स्ट इजम्बर नाथ ब्लैंक यानी कौन सा ऑप्शन है जो इस पूरे क्वेश्चन को यू you नो know, एक सही मीनिंग देगा सो so, भिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर डेफिनेटली वो एक रिच ग्रोसर थे तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट भिशंबरथ केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स फॉर द वेडिंग डेफिनेटली भिशंबरथ केम विद अ बिग पार्टी ऑफ रिलेशन फॉर वेडिंग डेफिनेटली तो ऑल ऑफ दी वर्ड्स जो है वो क्या है सही है तो ऑल ऑफ दर्थ क्या हो जाएगा द करेक्ट जो कि इस ब्लैंक में फिट हो सकते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट इज वॉट इज ट्रू फ्रॉम द्रांस बैंड वॉज प्लेइंगर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म ऑन ऑफ वेडिंग डेफिनेटलीजेटमेंट द ब्राइट ग्रूम राइडिंग वॉज ओवर जॉय डेफिनेटली पॉम्पोर स्प्लेंडर देखकर जो रामलाल है वो बहुत ज्यादा ओवर जॉइड है तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट तो ऑल आर ट्रू क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन

द ब्राइड ग्रूम तो ये हो गया एरर तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट या नॉट ट्रू स्टेटमेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सो वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइट फेस येस दे वॉज अ वुमन इन द वेडिंग जो एकदम से यू नो इनका जो कवर है या व्हील या जो घूंघट है वो हटा देती है किसका ब्राइट का तो येस दिस इज राइट बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस एट भोली डेफिनेटली द गार्लेंड रिमेन पॉइज इन भिशंबर्स हैंड्स येस जैसे ही वो पोक मार्क्स नोटिस कर लेते हैं किसके ब्राइट के या भोली के तो उनकी जो गार्लेंड है वो हाथ में ही रह जाती है तो दिस इज अगेन राइट तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एज अ तो फॉलोइंगस यू नो समथिंग जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नॉट सिंपल उसी कहते हो आप पॉम्प क्लियर सो सिंपलिसिटी इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड पॉम्प बेसिक अगेन बहुत ही नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा ग्रैंडियर ग्रैंडियर यानी कि बहुत ग्रैंड लेवल पे यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल तो ये क्या हो जाएगा द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द दर्ड पॉम्प देन ऑर्डिनरी ऑबियसली सिंपलिसिटी बेस से क्या ऑर्डिनरी जो हो जाएंगे वो क्या जाएंगे ऑपोजिट ऑफ द वर्ड पॉन्न क्लियर सो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज एनवियस मीन्स सेम एज एनवियस यू नो यानी किसी से जेलस होना सो जेनरस डेफिनेटली नॉट जेनरस मतलब क्या होता है जो यू you नो know, हर किसी को अगर कोई नीड है या बहुत काइंड इंसान होता है उसको बोलते हैं जेनरस जो हर किसी को कुछ भी हेल्प करने के लिए रेडी हो दैट इज वॉट जेनरस मीन्स सो दिस इज नॉट द वर्ड विच मीन्स एनवियस नेक्स्ट कंसर्न यानी किसी के लिए कंसर्न होना तो ये भी नहीं है ये पॉजिटिव है जेलस इज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड एनवियस एडमायरिंग यानी कि खुश होना किसी की रिस्पेक्ट करना किसी चीज को लेकर तो अगेन दिस इज नॉट द वर्ड विच मीन्स द सेम

प्रमिसिंग प्रोपिशियस यानी देखो ऑस्पेशियस का मतलब क्या होता है कि दैट इज द राइट मोमेंट ठीक है ना सही मोहरत उसको बोलते हो ऑस्पेशियस सो फेवरेबल ऑब्वियसली प्रोमिसिंग येस प्रोपेशियस का मतलब यही होता है द राइट मोमेंट क्लियर देन डिस्करेजिंग यानी कि समथिंग जो कि मोटिवेटिंग नहीं है तो ये तो अलग ही वर्ड है विच हैज नो मीनिंग रिलेटेड विद द वर्ड ऑस्पेशियस तो दिस इज दन विच डज नॉट मीन सेम एज द वर्ड ऑस्पेशियस क्लियर ऑल राइट Next next extract is Have you You seen her? her said to to the friend next to him. She has poke marks on her face. So what? You are not young either. तो यहाँ पे विशंबर नाथ जो अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि क्या तुमने देखा यू नो ब्राइट के फेस पे क्या थे पोक मार्क्स थे तो उनके जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ तुम भी तो उतनी नहीं हो यानी यू आर ऑल्सो नॉट यंग यू आर ओल्ड एज कम्पेयर टू वॉट द गर्ल्स एज इज मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी फाइव थाउजेंड रुपीज़ लिखा है हाँ बिल्कुल हो सकता है कि मैं यू ना इतना यंग नहीं हूँ बट अगर मुझे शादी करनी है भोली से तो डेफिनेटली मुझे फाइव थाउजेंड रुपीज़ चाहिए

Take two thousand rupees. No, five thousand or we go back. तो उनके जो फादर हैं बोली के दैट इज रामलाल वो बोलते हैं विशंबर से obviously उन्होंने मुझे इस तरीके से insult मत कीजिए यानी insult करना और मुझसे two thousand rupees ले लीजिए But भिशंबर is like I need five thousand और I'll not marry and we'll go. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face. इन विलेज तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि है, वो अपनी प्राइड, अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू कि ये राइट मैन नहीं है फॉर हिज डॉटर क्लियर तो वो बोलते हैं कि यू you नो know, मैं अगर इस तरीके से आप मेरी बेटी से शादी नहीं करेंगे आप चले जाएंगे तो मैं विज में अपना मुंह दिखा नहीं पाऊंगा एंड दिस वुड भी समथिंग विच इज ह्यूमिलियेटिंग जेंडर बी अटिल

शंबर को क्लियर तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ये पूछे जा सकते हैं कि वाई भिशंबर नाथ आज फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज और वट हैली वॉट ही सो कि जिसकी वजह से भिशंबर नाथ वॉज लाइक आई नीड फाइव थाउजेंड और आई नॉट मैरी भोली नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि विशंबर नाथ से उन्होंने जो, जो फादर है कौन रामलाल वो किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट ऑल ही टू रिक्वेस्ट फ्रॉम भिशंबर नाथ टू बंसिडर टू नॉट ह्यूमिलिएट हिम क्लियर एंड ऑल्सो टू टेउजेंड रुपीज फ्रॉम हिम इंस्टेड थाउजेंड बट एट दी एंड क्या होता है रामलाल हैज टू गिव फाइव थाउजेंड टू

On Vishamva's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. और फिर जो है विशंबर नाथ को ऐसा लगता है कि sort of मैंने gamble किया हो bet लगाई हो या जुआ खेला हो और फिर मैं उसमें जीत गया हूँ इस तरीके की जो खुशी होती है वो दिखती है किसके face पे विशंबर के face पे तो विशंबर का face कैसा है greedy यानी कि वो बहुत लालची इंसान है तो उनके चेहरे पे वो एक जीत की जो खुशी है वो दिखती है Give me the garland. अनाउंस तो वो बोलते हैं मुझे माला दीजिए मतलब मैं जूँ अब भोली से शादी करूंगा वंस अगेन स्लिप्ड बैक फ्रॉमस बट दिसम हर आईज वॉट डाउन कास्ट अगेन जो है घूंगट नीचे किया जाता है ऑब्वियसली जब पिनाना है उनको मर माला बट दिस टाइम जो भोली है उनकी आंखें जो है वो नीचे नहीं थी डाउन कास्ट यानी कि वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि वो क्या कर रही थी शी वॉज लुकिंग अप लुकिंग स्ट्रेट हेट हर परस्पेक्टिव हजब इन हर आईज देर वॉज नीद एंग नो हेट ओनली कोल्ड कंटेम्प

बिजंवर्स ग्रीडी फेज अपियर्ड अ डिफीटेड स्माइल डिफीटेड नहीं है इट इज अनिंग स्माइल और अ ट्राइफिन स्माइल और अ विक्टी वाली स्माइल तो दैट इज वॉट कैन बी यू नो रिटर्न हेयर इन दप्शन तो डेफिनेटली डिफीटेड क्या है यहाँ पर एयर तो so, क्या हो जाएगा ये दिस इज दी वन विच इज नॉट ट्रू और इन करेक्ट क्लियर द वील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट स्पे येस अगेन दिस इज द राइट स्टेटमेंट तो ये क्या हो जाएगा एक रॉन्ग ऑप्शन भोली वॉज लुकिंग अप स्ट्रेट आट हर प्रस्पेक्टिव हस्बेंड येस प्रस्पेक्टिव मीन्स वुड भी क्लियर तो ये भी क्या हो जाएगा आपका

नेक्स्ट इज ह्यूमिलियेट मीन सेम एज यानी किसी को ह्यूमिलियट यानी कि इंसल्ट करना सो डिसंफर्ट ब्रिंग डाउन एम्बैर ऑल द वर्ड मीन द सेम किसी को डिसकंफर्ट यानी किसी को बहुत इंसल्ट करना डिस्कंफर्टेबल कराना किधर पे दैट इज वॉट ह्यूमिलियट मीस नेक्स्ट ब्रिंग डाउन ऑब्वियसली किसी को यू you नो know, नीचा दिखाना जो हम बोलते हैं हिंदी में दैट इज अगेन वॉट ह्यूमिलिये एंड फाइनली एम्बैर करना इंसल्ट करना दैट इज अगेन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन विच इज बीन आज तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्लियर ऑल राइट next is a triumphant is synonym of yeah, related to winning so successful yes victorious definitely uh, winning so all the three give you the right meaning so all of the above kya ho jayega, right option done all right next extract is Bishamber raised the garland to place it round the bride's neck but before he could do so Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung

पिताजी सेट भोली in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters brothers relations and एंडर मदर startled to hear her speak without even the slightest stammer. so definitely Bholi is like वो एकदम से बोल देती हैं पिताजी वो ऐसे नहीं है कि वो रुक रुक के बोल रही हैं तो जितने भी लोग हैं वहाँ पर नेबर्स हो उनके relatives हो brothers सिस्टर्स पेरेंट्स हर कोई जो है वो स्टार्टल्ड यानी कि astonished है surprised है कि कैसे उन्होंने भोली विदाउट स्टैमर करके बोल पाई हैं complete वर्ड Ji, take back your money. I'm not going to marry this man. Ramlal was.

The guest began to whisper, so shameless, so ugly, and so shameless. Bholi, are you crazy? shouted Ramlal. Obviously, kaam kya hota hai, whenever you just take a stand for yourself for the right thing, obviously, people always will pull your leg, right? So, same thing happened with. भोली कि वहां पे जितने भी लोग हैं देवर लाइक इट इज सो तो बैड शी इज अगली शी इज शेमलेस शी नॉट हैज दिस रिस्पेक्ट कि किस तरीके से लोगों से बात करनी है एंड सेम वे जो रामलाल हैं जो उनके फादर हैं वो भी चिल्लाते हैं कि भोली आई यू क्रेजी हैव यू लॉस्ट योर माइंड यू वॉन्ट टू डिग्रेज योर फैमिली इज इट समथिंग कि जो तुम कर रही हो टू डिस और यू you नो know कि जो रिस्पेक्ट है हमारी बिकॉज वो एक नुम्रेदार है वेल नोन पर्सन है विलेज में तो आई यू ट्राइंग टू यू नो डिस और जस्ट ब्रिंग डाउन आर रेपेशन ऑफ द फैमिली

but i will not have such a mean greedy and contemptible coward as my husband but wo directly bolti hain ki main aise selfish greedy aur aise you know person jo ki unkind hai is type ke coward se main shaadi nahi karungi i won't i won't i won't what a shameless girl we all thought she was a harmless dumb cow. तो एकदम से वो मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं करनी है ऐसे इंसान से शादी कावड़ coward के भी मतलब आपको आ सकता है नहीं डरपोक लैक ऑफ करेज हो जिसमें फिर जो बाकी के लोग हैं ऑब्वियसली दे आर लाइक कि कितनी शेमलेस गर्ल है विथ हॉट की शी इज यू नो विटलेस शी इज डम बट शी कैन स्पीक और ये कौन बोलती है एक ओल्ड वुमेन है वहां पर शी इज द वन हु स्पीक्स

Next is, according to Bholi, भिशंबर तो भोली भोली yes, तो all of the क्या क्या करती कि हो जाएगा आपका राइट right ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है मॉडिफिकेशन आ आपको selfish जाए आपको सेल्फिश you know, लिख के दे दिया जाए आपको यू नो लिख के दे दिया जाए हु लैक्स करेज तो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज फ्लंग मीन्स सेम एज तो फ्लिंग का होता है यू नो टेंस फ्लंग यानी कि किसी चीज को फेंक देना क्लियर सो थ्रोन स्लंग पिक तो ऑब्वियली थ्रोन और स्लंग का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना बट पिक का मतलब होता है किसी चीज को उठाना तो ये ऑपोजिट हो जाएगा सेम पूछे हैं तो वो वन एंड टू क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सेम एज थंडर स्ट्रक थर स्ट्रक से शॉर्क हो जाना मुंह खुला खुला रह जाना दैट इज नॉट थंड

येस आंटी यू आर राइट यू ऑल थॉट आई वॉज अओ तो जो आंटी है जो वुमन है वो बोलती है इनको यहां पर बोली रिप्लाई भी करती है कि ये यू आर राइट आई वॉज अम्रिविन का दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर और आप लोग को ऐसा लगता था कि मैं विटलेस हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आएगा इसीलिए आप मुझे जो है इस हार्टलेस क्रीचर यानी विशंबर नाथ को दे रहे थे बट नाउ द डम का दैमिंग फूल इज स्पीकिंग वो खुद के लिए बोलती है जिनको आप डम मानते थे जिसे आप मानते थे कि स्टैंडरिंग फूल बोली वो जो है अब बात कर सकती है do you want to hear more or wo she is like aur बात सुननी है क्या? यानी कि i can speak fluently क्या आप और demo देखना चाहती हैं? bishambar nath the grocer started to go back with his party the confused bandmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song to bishambar nath jo hai wo jaane lagte hain because obviously bholi has strictly denied or rejected his proposal and also jo bandmen hai jo bhi band wale the wo confused ho jate hain ki bhai ceremony end ho gayi kya to wo jo hai ek ending tune प्ले करता है रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम एंड रामलाल इज रूटेड टू द ग्राउंड यानी वो खड़े के खड़े रह गए वहां पर उनका सर नीचे झुका हुआ है बिकॉज वो दुखी भी है ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही है ही फील्स ह्यूमिलिएटेड

डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डायलॉग्स हैं उसमें पूछा जा सकता है कौन सा डायलॉग किसका है बहुत ईजिल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो तो क्लियर ना वो कैम्पेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द वर्ड डम क्रीचर देन आपसे पूछा जा सकता है सेरिमिनी स्ट्रक देन बो डाउन तो बो वर्ड का मतलब पूछा जा सकता है देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे सेक्रेड वर्ड के सिनोनिक्स एंड से वही सेम सेम सिमिलर वर्ड्स रिपीट होते जा रहे हैं तो इट्स बीन ईजी नथिंग इज मोर डिफिकल्ट इन दीज पैराग्राफ्स क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट रीड दंटिन्यूएशन एवरी वन वॉज गॉन रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू नो वन विल एवर मैरी यू नाउ व्हाट शैल वी डू विथ यू तो सब चले जाते हैं एक करके और रामलाल जो है वो अपनी बेटी से भोली से पूछते हैं कि भाई अब क्या होगा तुम्हारा बिकॉज तुमसे कोई अब शादी करेगा नहीं तो व्हाट वुड यू डू इन योर फ्यूचर वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी अब भोली नहीं बोला गया है सुलेखा बोला गया है क्यों बिकॉज नाव होली मतलब विटलेस जो अपना स्टैंड नहीं ले सकती बट दिस पर्टिकुलर गर्ल वॉज एबल टू टेक अर स्टैंड इट मीन नाउ शी वॉज नो मोर विटलेस शी वॉज क्विक तो इसीलिए अब उनका नाम भोली ना लेकर क्या लिया जाता है सुलेखा क्लियर सो डोंट यू वरी पिताजी इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई टीच इन द सेम स्कूल वेर आई लर्न सो मच तो जो सुलेखा है उनकी बहुत ही प्यारी सी काम सूदिंग वॉइस में रिप्लाई करती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए मैं जो हूँ आपका और मम्मा का जो है अपनी मद, मदर के लिए बोलती हैं उनका ध्यान रखूंगी आपकी ओल्ड एज में एंड ऑल्सो जिस स्कूल से मैंने इतना कुछ सीखा है उसमें मैं लाइफ टाइम पढ़ाऊँगी

वट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल यू नो कि वही डायलॉग्स दे दिए जाएँ हु इज द स्पीकर फ्रॉम विच यू नो दीज लाइन्स आर टेकन ऑल्सो क्या होता है वो क्या बोलती हैं यू नो कौन भोली उनके फादर से सुलेखा क्यों बोला गया है उनको एट दी एंड तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन वो क्या आपकी बात कर रही हैं तो so, आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द वर्ड काम अबाउट द वर्ड स्टडी देन आपसे पूछा जा सकता है अबाउट यू नो द कंटेपलेटिंग और मास्टर पीस इन सब के बारे में आपसे सिनोनिम्स एंड टोनिम्स पूछे जा सकते हैं डन ऑल राइट सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट इज कंटेम्पलेटिंग मीन सेम एज यानी कि अपने मास्टर पीस को बड़े ही ऑब्जर्व करना थॉटफुली ऑब्जर्व करना दैट इज वॉट इज मेंट बाय और क्लियर सो व्यू कंटिन्यूड अटेंशन रिफ्लेक्ट ऑन कि भाई मेरा मास्टर पीस सही बना है या नहीं लुक थॉटफुली एट ऑब्वियसली बिल्कुल फुल थॉट्स के साथ फोकस के साथ देखना कि सब कुछ सही है या नहीं तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन तो ऑल ऑफ क्या हो जाएंगे आपकी राइट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड कंटेम्पुलेटिंग क्लियर ऑल राइट